गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म और बिहार करंट अफेयर्स का हम लोग पार्ट फोर करने वाले हैं आज। तीन पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। हर पार्ट में हम 15 क्वेश्चंस करते हैं और इस सीरीज में हम लोग टोटल 15 वीडियो करेंगे, जिसमें हम लोग टोटल 225 से लेकर 250 टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है उनका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी प्लेटफॉर्म का जो एप्लीकेशन है ना, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और टाइप करेंगे बीपीएससी प्लेटफॉर्म, तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ टेस्ट सीरीज़ चल रही है 67 बीपीएससी की, और ये टेस्ट सीरीज़ जो है ना क्वालिफाइड ऑफिसर्स ने बनाई है, जिन्होंने जैसे डीएसपी अमित सर हैं और अनिधु मैम एसडीएम हैं और भी एक दो फैकल्टीज़ हैं, इन्होंने मिलकर इसको डिज़ाइन करा है ताकि बिल्कुल आपको वैसा पेपर बना के दे सके जैसे एग्जाम में आता है, रेलिवेंट क्वेश्चंस हो। इसमें क्या है, टोटल 10 है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और देखिए हम लोग सारे टेस्ट एक साथ नहीं दे रहे हैं, हम लोग एक एक करके टेस्ट डाल रहे हैं, हर हफ्ते डाल रहे हैं ताकि आपकी थोड़ी तैयारी भी होती चले। और करंट अफेयर्स हमने बहुत ही इसमें एक्सटेंसिवली कवर किया है ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि करंट अफेयर ही मेन होता है जहाँ मार्क्स डिफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्री आपको रिविजन क्विजेस भी मिल रहे हैं, और फिर हम लोग आपको हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स देंगे और हिस्ट्री के क्वेश्चंस देंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ बहुत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीडीएफ वगैरह भी देंगे। तो सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, एक टाइप ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जाइए चेक कीजिए, टेस्ट कुछ उसमें फ्री भी हैं तो आप बिल्कुल जाइए दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनरोल कीजिए, क्योंकि अभी अक्टूबर शुरू हो गया है और हम लोग के पास अगर हम लोग देखें तो 100 डेज हैं टोटल। आज से भी अगर आप अच्छे से सीरियसली पढ़ाई करते हैं तो बहुत मतलब सफिशिएंट टाइम है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, और बिहार एसआई का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, उसमें तो 250 से ऊपर टेस्ट हैं। ठीक है, सेक्शनल फुल टेस्ट, तो आप जाइए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, एप्लीकेशन पे देखिए, आपको जिसमें रेलिवेंट हो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो थीम क्या था बिहार दिवस 2021 का? ठीक है, तो थीम क्या था, जनजीवन हरियाली। क्या होता है, बिहार दिवस मनाते हैं हम लोग ना 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और हर साल कुछ कुछ थीम होता है। तो इस साल का थीम क्या था, जनजीवन हरियाली। इस थीम ये थीम क्यों था, क्यों, क्योंकि आप बिहार में जो भी रेनफॉल का डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, तो इससे हम लोग का क्या है कि कभी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, इस साल बहुत ज़्यादा हुआ, बट लास्ट ईयर क्या था, होता था कभी नहीं होता था, अनटाइमली होने लगा, ताकि हम लोग पानी का महत्व समझ सकें कि कैसे स्टोर करना है, वेस्ट नहीं करना, ताकि आगे वाटर स्कैसिटी ना आए। ठीक है, इसलिए ये थीम रखा गया है, जनजीवन हरियाली, 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार की पहली कॉमन फैसिलिटी सेंटर बिहार का कहाँ पे बना है, जहाँ पे प्रिंटिंग होगी और कपड़ा की डाइंग होगी, क्लॉथ डाइंग, कपड़ा की डाई करते हैं ना, उसको प्रिंट करते हैं, तो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया गया, तो ये मधुबनी में बनाया जा रहा है। ठीक है, मधुबनी की अगर हम लोग बात करें तो मधुबनी में मिथिला पेंटिंग्स जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, आपको पता है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं उसको, मिथिला पेंटिंग्स है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इससे पूछी जा सकती है इस साल, तो एक हमारी आर्टिस्ट है मधुबनी की, दुलारी देवी जिनका नाम है, उनको इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और पद्मश्री मिला है तो हो सकता है पूछा जाए। और दुलारी देवी ने हजारों पेंटिंग करी, करीब 7 से 8 हज़ार तक पेंटिंग्स करी हुई हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पे करा हुआ है। शी इज 54 ईयर ओल्ड एंड उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, तो आप ध्यान में रखिए दुलारी देवी का नाम। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार क्रिकेट लीग का पहला एडिशन, पहला संस्करण किसने जीता है, तो जीता है दरभंगा डायमंड्स ने। देखिए जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही ताकि बिहार का क्रिकेट प्रमोट हो सके, बिहार क्रिकेट लीग बनाया गया, और ये पहला एडिशन था, मतलब पहली बार हुआ है, तो उसमें जीता कौन है, दरभंगा डायमंड्स। हो सकता है ये पूछे कि दरभंगा डायमंड्स किसको हरा के जीता है, तो इसका मतलब कि रनर अप कौन था, तो रनर अप थे पटना पायलट्स। ठीक है, टोटल अगर कितने टीम्स थी देखें तो 5 टीम्स थी, एक तो पटना पायलट हो गया, एक दरभंगा डायमंड, एक भागलपुर बुल्स, एक गया ग्लैडिएटर्स, 1, 2, 3, 4 हो गया, और ये चंपारण डायमंड से ये कोई टीम नहीं है, और एक था अंगिका अवेंजर्स, मैं लिख देती हूँ अंगिका अवेंजर्स। ओके, तो 5 टीम थी, और फॉर्मेट क्या था इसका, तो T20 फॉर्मेट था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए कि T20 फॉर्मेट था,
और ये कहाँ पे हुआ? तो उरज स्टेडियम, ऊर्जा स्टेडियम में हुआ ये सारा मैच, ठीक है। और विनर थे दरभंगा डायमंड, बस ये ध्यान में रखिए। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि बिहार के एक प्लेयर का नाम है ईशान किशन, जो इस साल जो इंडिया का T20 स्क्वाड है ना उसमें भी चुने गए, तो ये बिहार से हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि ईशान किशन का कहाँ का संबंध किस सिटी से है, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम की खेती में बिहार की क्या कौन सा स्थान है उत्पादन में? तो तीसरा स्थान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करिए सबसे ज्यादा मशरूम कहाँ पे उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा होता है उड़ीसा में, देन महाराष्ट्र एंड देन बिहार। और बिहार की एक लेडी है जिनको मशरूम लेडी के नाम से जानता है, अनीता देवी जिनका नाम है, शी इज नोन एज मशरूम लेडी ऑफ बिहार, और नालंदा की हैं ये, तो हो सकता है ये भी पूछा जाए एग्जाम में कि हु इज नोन एज द मशरूम लेडी ऑफ बिहार, तो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम अनीता देवी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि पटना उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ कौन सी भाषा को स्वीकार किया याचिका के लिए? मतलब देखिए जब पिटीशन फाइल करते हैं ना, तो या तो इंग्लिश में फाइल करना था या हिंदी में, तो एक और नई लैंग्वेज एक्सेप्ट हो गई है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, तो कौन सी लैंग्वेज है? तो वो लैंग्वेज है मैथिली, तो नहीं है इसका आंसर, इसका उत्तर उर्दू होगा। यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया, पीडीएफ वाले बनाने वाले ने, उर्दू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बाल तस्करी को रोकने के लिए बिहार कौन से राज्य के साथ काम करेगा? फॉर स्टॉपिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिहार विल वर्क विद विच स्टेट? तो बिहार राजस्थान सरकार के साथ काम करेगी। और आपको पता है काम के चक्कर में क्या होता है कि यहाँ से बच्चों को ले जाया जाता है और फिर उनकी ट्रैफिकिंग होती है और चाइल्ड लेबर भी कराया जाता है, तो राजस्थान के साथ काम करेगा ताकि कम से कम ये हो सके। अभी कोविड में बहुत लोग की जॉब चली गई, तो ये काफी बढ़ गया था। अभी एक न्यूज़ में कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि 50 से 60 बच्चे राजस्थान से ले आए भी गए हैं, तो राजस्थान सरकार के साथ काम करेगा फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के किस शहर में, इन विच सिटी ऑफ बिहार, गुप्ता पीरियड का ब्रिक ईट और कॉइन रिमेन्स मिला है? तो बिहार के मधुबनी जी मधुबनी उसमें ये मिला है गुप्ता पीरियड का ब्रिक और कॉइन का रिमेन, ठीक है। और अगर पूछे कि मधुबनी में एग्जैक्ट पूछ दे कहाँ पे, तो पंडौल एक जगह है, ठीक है, ईशापुर में, तो यहाँ ये मिला है, ठीक है। और 2000 BC पुराना यहाँ पे सिक्का भी मिला है जिसमें देवनागरी लिपि लिखी हुई है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो गुप्ता पीरियड का ब्रिक इनक्वायरी में मिला मधुबनी में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन और बिहार, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है जियालाल आर्या ने, स्वाधीनता आंदोलन और बिहार, इट इज रिटन बाई जियालाल आर्या। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया ऐप, ठीक है, बिहार सरकार ने एक सोशल मीडिया ऐप चुना है जिससे वो क्या करेंगे, जो भी फार्मर्स हैं उनको बताएंगे वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि कब बारिश होने वाली है, ज्यादा कब होगी, कम कब कब होगी, कब एकदम बिल्कुल बारिश नहीं होगी, ताकि वो उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करके काम कर सकें। तो बिहार सरकार ने चुना है व्हाट्सएप एप्लीकेशन को इसके लिए, ठीक है। और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हु इज द CEO ऑफ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का CEO कौन है, मैं सही आंसर भी पिन कर लूंगी। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार की किस महिला निशानेबाज ने, विच वुमेन शूटर फ्रॉम बिहार, इन्होंने ट्रैम्प टीम इवेंट ISSF वर्ल्ड कप 2012-21 में स्वर्ण पदक जीता है। तो विच वुमेन शूटर फ्रॉम बिहार हैज वन गोल्ड इन वुमेन्स ट्रैप टीम इवेंट ISSF वर्ल्ड कप 2021? तो श्रेयसी सिंह जो है ये बिहार की शूटर है और उन्होंने इसमें गोल्ड जीता है। और श्रेयसी सिंह के बारे में बताऊं तो उन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसमें भी गोल्ड जीता था, ठीक है, सेम इवेंट में, वुमेन्स डबल ट्रैप, ये आप ध्यान में रखिए। अब बहुत लोग बोलेंगे तो फिर ये क्यों नहीं गई ओलंपिक में, तो ओलंपिक में ये इवेंट नहीं है तो ये नहीं गई, लेकिन ये श्रेयसी सिंह जो है, और इनकी सबसे खास बात है अपने नाम ध्यान इसलिए भी रखिए क्योंकि ये पॉलिटिशियन भी हैं, जमुई की रहने वाली हैं और बीजेपी की वहां से MLA, जमुई की हैं ये,
तो ये भी पूछा जा सकता है कि शूटर श्रेयसी सिंह जो है वो कहाँ की रहने वाली है, तो शी इज फ्रॉम जम्मू, और इनको 2014 में भी सिल्वर जीता हुआ है, एंड शी इज ऑल्सो अर्जुना अवार्डी। ठीक है, चलिए। और देखिए जैसे कि ना वुमेन्स ट्रैप टीम इवेंट है, सोलो नहीं था, तो इनके साथ श्रेयसी सिंह के साथ दो और लड़कियां रही होंगी टीम इवेंट में, तो उनका नाम भी मैं बता दे रही हूँ। एक का नाम था राजेश्वरी कुमारी और एक का नाम था मनीषा कीर। ओके, नाम ध्यान में रखिए। शूटिंग का जो वर्ल्ड कप हुआ है 2021 में अभी रिसेंटली, उनमें इन्होंने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है कि कबरताल जो है उसको बना दिया है पहला बिहार का रामसर साइट। ठीक है, तो कबरताल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो वो बेगूसराय में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मतलब है क्या रामसर साइट, क्या है। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था एक जगह पे, जिस जगह का यह नाम था रामसर। ठीक है, और ये जगह जो है वो ईरान में है, कैस्पियन सी में, और 1971 में कन्वेंशन हुआ था। उसके अंडर अब जितने भी वेटलैंड्स हैं ना, उनको हम लोग रामसर साइट बना देते हैं ताकि वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ही बन जाए। जैसे कि कोई भी मॉन्यूमेंट होता है तो आप उसको देखते हैं यूनेस्को में, अगर वो बहुत पुराना होता है तो उसको देख रेख संरक्षण के लिए वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया जाता है। तो ऐसा ही कोई वेटलैंड होता है तो उसको हम लोग रामसर साइट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आ जाए। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो टोटल इंडिया में 46 रामसर साइट है, और ये बिहार का लेकिन पहला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन कुछ भी छूटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेगूसराय में टोटल 46 है, इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है, अगर यूपी में है, यूपी में लगभग शायद 8 है, हाँ बिहार में ये पहला है। पहला रामसर साइट कौन सा था, फर्स्ट रामसर साइट इंडिया का, तो वो था चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और अगर बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं, तो वो यूएसए में है, 150 के अराउंड, उससे ऊपर ही है, 180 शायद। ठीक है, तो ये सारी ध्यान में रखिए, पहला चिल्का लेक, और अभी रिसेंटली कबरताल जो है वो बन गया है पहला रामसर साइट बिहार का, और वो बेगूसराय में सिचुएटेड है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन से स्टेट को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है, तो बिहार को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोविड के दौरान जो डिजिटल मेथड से बिहार सरकार ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। जैसे कि कोविड में पैसे भेजे, जो भी लोग बिहार से बाहर हैं या स्टक थे तो उनको पैसे कुछ भेजे गए, राशन भेजा गया, राशन दिया गया, और जो भी हेल्प दी गई मॉनिटरिंग के लिए जो होम आइसोलेशन में थे उनके लिए हिट कोविड ऐप निकाला गया, बताया था मैंने पिछली वीडियो में। तो ये सारी चीजें तो डिजिटल मेथड से ही हुई है ना, तो बिहार सरकार ने इस्तेमाल अच्छा किया है डिजिटल इंडिया अवार्ड, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। और आज का आखिरी सवाल ये है कि बिहार का 2021-22 जो वित्तीय साल है उसमें अनुमानित जो सरप्लस रेवेन्यू सरप्लस परसेंटेज कितना है फिस्कल ईयर 2021 के लिए। ठीक है, हिंदी में ही पढ़ देती हूँ, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेय प्रतिशत, मतलब GSDP, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कितना है, तो ये है 1.21% ऑफ GSDP। ठीक है, ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जैक्ट परसेंटेज एग्जैक्ट डेटा पूछता है बीपीएससी में, बिल्कुल भी घुमाता नहीं। अगर ये तो परसेंटेज में देख लिया, अगर पैसे में मानो पूछ लेता है तो ₹9196 करोड़। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।